वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो मानसून पूरी तरह से आ चुका है और स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, हेयर केयर प्रॉब्लम मतलब हेयर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो फिलहाल आज जिस पे पहली मैं बात करने आई हूँ वो है आपके हेयर की। तो आप जब नॉर्मल डेज होते हैं, ठंड होती है, गर्मी होती है, तो उसका इलाज आप अलग करते हो, लेकिन जब बात बरसात की आती है तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की। तो मैं एग्जैक्टली कौन सी चीज़ यूज़ करती हूँ आप देख सकते हैं, बाल के टेक्चर सही रहते हैं। मैं उतना ज़्यादा बालों को वॉश भी नहीं करती बिकॉज उतने ज़्यादा केमिकल्स बालों में नहीं डालना चाहती, तो कोशिश करती हूँ कम से कम वॉश करूँ, लेकिन मुझे डेली बेसिस पे वीडियो बनाने रहते हैं तब भी मैं अपने बालों को काफ़ी सही रख पाती हूँ ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो एग्जैक्टली मैं एक ऐसी चीज़ की यूज़ करती हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ। मैं बोलूँ तो मैं शादी से पहले यूज़ कर रही हूँ, तो यही मैं बोलूँगी उसकी वजह से शायद मेरे बाल अभी तक बचे हुए हैं। तो वो क्या है, कैसे और बहुत ही मात्र 5 से 10 रुपए में आप घर पे बना लीजिएगा। तो क्या है, कैसे, चलिए दिखा दें। सो फ्रेंड्स, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको 1 कप पानी चाहिए, मेजरमेंट करके चलिए 150 ml तक, और इसे आपको गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा देना है जब इसमें बबल्स आने लगे। तो यहाँ पे मैं आपको कैमरा पास करके भी दिखा रही हूँ कि जब इसमें, तो ये यहाँ पे बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। तो हमारा अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, वो हम यहाँ पे लेंगे 10 गुड़हल के फूल जो पूरी तरह से, कोशिश करिए लाल हों, और इनके ऊपर ये जो छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं येलो येलो से पार्ट, वो आपको ज़रूर उसमें हों, तो तभी मतलब ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके हेयर्स के लिए और बहुत ही अच्छा है। इसका मैं आपको पैक भी बताऊंगी, तो ये येलो पार्ट भी इसमें ज़रूर होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बताती हूँ कि ये आपके बालों को घना व लंबा बनाता है, और ये 10 फूल आपको इन गर्म पानी में डाल देना है और इसे ढक देना है, 1-2 सेकंड के लिए पकाना है। ये आपके बालों को बहुत ही मजबूत करता है, साथ ही साथ रूखे बालों से आपको छुटकारा देता है, 2 मुहे बालों से छुटकारा देता है, बालों को चमकदार बनाता है बिकॉज इसमें मॉइस्चराइज़र गुड होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो पोषक तत्व होते हैं बालों को बिल्कुल एक न्यू लाइफ दे देते हैं। और मैं बोलूं कि गुड़हल का इस्तेमाल हेयर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी किया जाता है, और बालों को एक अलग रंग की चमक दिखाने में भी इसका यूज़ होता है। और इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून इसमें अलसी के दाने डालूंगी। अलसी के दाने आप ज़्यादा नम मत पकाइएगा वरना वो एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको लगाने में इजी नहीं होगा। उसका मैं नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरह से वो आपको लगाना है। और इस तरह से आपको यहाँ पे फिर अगेन 1-2 सेकंड के लिए इसे पकाना है और गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि पहले तो लो फ्लेम पर रखना है, देन उसके बाद सारी चीज़ें लो फ्लेम पर करना है, और देन आपको ये यहाँ पे बंद करके रख देना है। और अब इसे ऐसे ही रखे रहने दीजिए, कुछ मतलब 1 घंटा लगेगा ही लगेगा इसे ठंडा होने में। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और हमें एक जो है वाटर फॉर्म में चीज़ें मिल गई हैं। देन इसके बाद हम इसे छानेंगे ताकि ये जो इसका पार्ट है वो अलग हो जाए और इसका पानी अलग हो जाए। इसका जो फ्लावर वाला पार्ट है आप उसको भी उठा के फ्रिज में रख दीजिएगा, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट में लेके आऊँगी कि किस तरह से आपको इसे अपने बालों पे अप्लाई करना है और 1-2 चीज़ें इसमें और मिलानी है ताकि बाल और, अगर आपके बाल पूरी तरह से रूखे हो गए हों, बेजान से हो गए हों, कोई शाइनिंग ना रही हो, आपको खोलने में अच्छा ना लगता हो, बिल्कुल पतले से हो गए हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये फ़िलहाल अभी आज जो मैं बता रही हूँ वो आपको इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ और इसके बेनिफिट्स भी मैंने आपको गिनवाए। इस तरह की आपको एक स्प्रे बॉटल चाहिए, मेरी एक ट्रैवल किट में थी तो मैंने उसमें से ले ली और इसके बाद आपको एक कीप की हेल्प से या फिर आप जैसे भी डाल पाओ, आप बॉटल में इसे अच्छे से डाल दो बिकॉज़ बॉटल से लगाने में मुझे इजी होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना आप जो है एक रुई में और कटोरी में लेकर, जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ तो सबके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, तो कटोरी में इस जो है फॉर्म को लीजिए और रुई की हेल्प से इसे अपने बालों पर अप्लाई कर लीजिए, जस्ट लाइक जैसे आप ऑयलिंग करते हैं। तो फिलहाल तो हमारी ये चीज़ रेडी है, अब चलिए इसे अप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये देखिए अप्लाई करते बहुत अच्छे से बन जाएगा, और वो जो चीज़ इसकी बची हुई है उसे प्लीज़ फेंकिएगा नहीं, फ्रिज में स्टोर कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपको अपने बालों पे इसे स्प्रे की फॉर्म में अप्लाई करना है, और हमारे रूट्स पे इसलिए अप्लाई करना है बिकॉज रूट्स में ही जाके ये मालो बालों को पाले हमारे बालों को बहुत ही नरिशमेंट देगा और बाल घने होंगे, लंबे होंगे, बिकॉज हम बालों में एक तरह का नरिशमेंट दे रहे हैं और नरिशमेंट मिलेगा तभी बाल, मैं आपको बोलूँ, बढ़ेंगे, घने होंगे। साथ ही साथ
फैक्ट हमारे पहले आयुर्वेदा में भी जो है गुड़हल के फूल जस्ट लाइक जैसे आज तो कंडीशनर मार्केट में आता है तो हम कंडीशनर्स यूज़ कर लेते हैं अपने बालों के लिए तो बाल चिकने से हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने के लोग गुड़हल के फूल को जस्ट लाइक ये देखिए लेस फॉर्म में हल्का सा आ चुका था क्योंकि मैंने इसमें अलसी के दाने डाले थे। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे बालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं बिकॉज बाल टूटेंगे नहीं, बाल घने होंगे, लंबे होंगे। और पहले के ज़माने के लोग जस्ट लाइक कंडीशनर इसी का करते थे, वो नेचुरल फॉर्म यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो गुड़हल के फूल एक ऐसी चीज़ है जो आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, आपके ब्यूटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके हॉर्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है अगर इन केस आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसमें भी काफ़ी। उसका वीडियो प्रॉपर मैंने सेपरेट बनाया है कि किस तरह से आपको इसे लेना है। तो इस तरह से आप कोशिश करिएगा अपने बालों को नीचे हिस्सों पे भी अच्छे से अप्लाई करिएगा। मतलब मान के चले मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं तो मेरी हाफ बॉटल आज यूज़ हो जाएगी। हाफ बॉटल में नेक्स्ट ज़्यादा बना के नहीं रखना है, एक से दो बार का बना के रखना है बिकॉज ये नेचुरल फॉर्म में है और नेचुरल फॉर्म जितनी ज़्यादा आप घर में बनाएंगे उसे उतना दिन आप स्टोर नहीं कर सकते। मार्केट की चीज़ों को इसलिए स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उसमें केमिकल बेस होता है। तो फिलहाल इतना बचा है मेरा, दोबारा के लिए सफिशियंट है, मैं इसे अप्लाई कर लूँगी और एक अच्छा सा मुझे बन यहाँ पर रेडी कर देना। और मैं तो इसे लगा के सो गई थी बिकॉज इसमें कलरिंग का कोई सिस्टम नहीं है कि कहीं पे लग जाएगा क्या, आराम से सूख जाएगा। इवन आप कहीं जाना आपको इमरजेंसी में पड़े तो एक पोनी भी आप बना लेंगे तो आप वहाँ पे जा भी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हेयर को वॉश किया और आफ्टर का रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया, बहुत ही हेल्दी आया, बाल बहुत ज़्यादा ग्लो हुए, साथ ही साथ बहुत ही जो है फ्रीजीनेस बिल्कुल हट गई मेरे बालों की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मानसून हेयर केयर जो है आपको काफ़ी सूट करने वाला है बिकॉज ये प्रोटीन ट्रीटमेंट भी आप इसे बोल सकते हो और बहुत ज़्यादा बालों को नरिशमेंट देगा। और नरिशमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके बालों की नरिशमेंट को भी लॉक करेगा, साथ ही साथ बाल बढ़ने में भी हेल्प करेगा बिकॉज जब बालों में हल्का सा क्रीमी टेक्सचर होगा, बाल नरिश होंगे, बहुत अच्छा पोषण उनको दिया जाएगा, तभी वो ग्रोथ कर पाएंगे। अगर आप रूखे और बेजान रखेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे, इवन टूटते ही चले जाएंगे। वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए